हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि आप एक दिन में बोधगया कैसे घूम सकते हैं। आप अपनी गाड़ी या बस, रेलगाड़ी या हवाई जहाज के द्वारा बोधगया पहुँच सकते हैं। गया एयरपोर्ट और गया रेलवे स्टेशन से बोधगया की दूरी मात्र 15 किलोमीटर है। यहाँ आकर आप सबसे पहले गया में विष्णुपद भगवान विष्णुपद टेम्पल का दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद आप ऑटो, टेम्पू या किसी और निजी वाहन द्वारा बोधगया आ सकते हैं। बोधगया आने के बाद आप सबसे पहले महाबोधि मंदिर का दर्शन करें। उसके बाद आप कई सारे देशों के मंदिर हैं, जैसे थाई मंदिर, जापानीज मंदिर और भी बर्मा टेम्पल और भी कई सारे देशों के टेम्पल हैं जो आप देख सकते हैं। उसके बाद आप आ सकते हैं 80 फीट का भगवान बुद्ध के मूर्ति का दर्शन करने। इसके बाद आप बोधगया में कई जगह अच्छे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, अच्छे भोजन का आनंद ले सकते हैं। जैसे तिरुपति एक शुद्ध शाकाहारी भोजनालय है, मगध स्वीट्स है और भी कई जगह आप भोजन का लुत्फ़ उठाएं। और बोधगया में आप कुछ चीज़ों के ख़रीदारी भी कर सकते हैं और एक दिन में आप बोधगया घूमकर वापस रात की किसी भी ट्रेन, बस या गाड़ी से अपने गंतव्य को जा सकते हैं।